कोविड-19 का ऊपर अभी बहुत चर्चा हो चुका है और ये चर्चा सारा भारत में दुनिया में होते रहता है। हम लोग ऐसे बात करते करते बोलते हैं जितना करोड़ आदमी का पास मोबाइल फ़ोन है सब लोग कोविड-19 का एक एक्सपर्ट बन गए हैं अभी 6 महीने के अंदर। ये जो चर्चा चल रहा है इसमें मैं उड़ीसा के बारे में बोलूँगा। 16 मार्च जब उड़ीसा में पहला केस स्पॉट हुआ उसी दिन से उड़ीसा का माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी इतना सब कुछ अरेंजमेंट किए, इतना एग्रेसिवली एंटर प्रशासन को लगाए, उसी दिन से अभी तक 6 महीने का अंदर कोविड का ऊपर हर रोज़ माननीय मुख्यमंत्री ने खुद मॉनिटर करते हैं, असेसमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके वजह से आज उड़ीसा में कोविड उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना था। और सबसे अच्छा बात है डेथ रेट इज सबसे लो है उड़ीसा में इन कंपैरिजन टू द नेशनल एवरेज। माननीय स्वास्थ्य मंत्री यहाँ बैठे हैं, जरूर स्वास्थ्य मंत्री को सब लोग धन्यवाद देते हैं, मैं भी कृतज्ञता का साथ धन्यवाद देता हूँ जो सब माननीय स्वास्थ्य मंत्री डायरेक्टली जो मॉनिटर करते हैं हर राज्य का साथ, इसमें बहुत अच्छा फलप्रद होता है। उड़ीसा में सबसे अच्छा चीज़ हुआ है अभी तक माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, गरीब हो अमीर हो सबके लिए फ्री कोविड ट्रीटमेंट किए हैं सारा स्टेट में, और हर जिला में हर शहर में कोविड हॉस्पिटल खोले हैं, कोविड केयर सेंटर खोले हैं, जिसके वजह से अभी कोविड थोड़ा बड़ा है लेकिन किसी का कुछ भी तकलीफ नहीं होता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का दूरदृष्टि जो कोविड का ऊपर किए हैं और अभी तक इतना अच्छा से सब कुछ हो रहा है जिसमें एक भी आम आदमी का किसी का कुछ भी तकलीफ नहीं है। मैं खुद 4 कोविड हॉस्पिटल चला रहा हूँ 1200 बेड का। इसके लिए मेरा जो थोड़ा अनुभूति है मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री के लिए करूँगा। एक तो जब कोविड पेशेंट जाते हैं डिप्रेशन हो जाते हैं, उसके लिए कोविड खत्म होने के बाद भी उसमें थोड़ा तकलीफ आता है 10% पेशेंट को। और जो पीपी मास्क वगैरह अभी चल रहा है उसको यूनिफॉर्म करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उसमें बहुत ब्लैक मार्केटिंग से लेकर क्वालिटी बहुत ख़राब होते। उसके बाद जो भी प्रारंभ करेंगे जो भी नियम करेंगे कुछ भी ये प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों के लिए, बिकॉज कोरोना योद्धा सबके लिए समान है। अभी जो नवंबर तक रेशन देने के लिए बोले हैं इसको मार्च तक बढ़ाएंगे सरकार, तब गरीब आदमी का अरबी बहुत अच्छा होगा।